ये देखिए प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें कुछ किया नहीं गया है। 11 का 10 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो 11 दाम 110 का आधा 55, ये 4 का 8 से मल्टीप्लाई, 8 चौक 32 का आधा इसमें हो जाएगा 16। तो 16 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसमें देखिए 8 त्रिका 24, 24 का आधा 12, 56 30, 30 का आधा 15। ठीक है, तो ये देखिए सोल्यूशन दिया गया है, इसमें कुछ है नहीं। इसमें आते हैं, ये भी कुछ खास नहीं है लेकिन ठीक ही है, चलिए देखते हैं। 13 का 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, 13 तीन 39 हो जाएगा। ठीक है, 21 का 5 से मल्टीप्लाई किया गया है तो 105 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दिया गया है तो 144 12 का स्क्वायर है, तो इसके बीच में 12 लिख दिया गया है। ठीक है, इसी तरह 14 का 5 से 11 का 9 से मल्टीप्लाई किया गया है, उसके बाद जोड़ दिया गया है। ठीक है, सेम किया गया है, इसी तरह कर लेंगे तो आपका इसमें 12 आ जाएगा, 12 आंसर। 18 चौक 72, 9 72, 72 72, 144 12 के स्क्वायर, तो इसमें 12 हो जाएगा, ये आपका 12 आंसर सही है। ठीक है, ये देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, देखिए 122 है। ठीक है, 122 है तो 11 का स्क्वायर प्लस 1 किया गया है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 किया गया है, 3 का स्क्वायर प्लस 1 है, 7 का स्क्वायर प्लस 1 है, यानी किसी भी संख्या का स्क्वायर करके 1 जोड़ा गया है। तो पहला ऑप्शन इसी तरह गलत, ये भी गलत, ये भी नहीं हो सकता, तो 26 5 का स्क्वायर प्लस 1 किया गया है, तो ये देखिए इसका आंसर है। देखिए ये सवाल भी बढ़िया है। ठीक है, तो क्या किया गया है, देखिए 0 है, इसके सामने का संख्या 3 है, तो 0 का क्यूब किया है, 0 और 3 जोड़ दिया है, 1 का 1 के सामने 4 है, तो 1 का क्यूब 1 और 3 4 हो गया, 2 है, 2 के सामने का संख्या क्या है 11 है। ठीक है, तो 2 के सामने की संख्या 11 है, तो 2 का क्यूब 8 और 3 जोड़ दिया 11, इसी के साथ 3 है, 3 के सामने क्या होगा, तो 3 का क्यूब 27 प्लस 3 यानी कि 30, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, देखिए ये सवाल है एस डी यादव का, ठीक है, वर्क एंड टाइम का, देखिए सामने है, आप देख लीजिए, दो पुरुष एक कार्य एक्स दिनों में कर सकते हैं लेकिन वाई स्त्रियां वही कार्य 3 दिनों में कर सकती हैं, तदनुसार एक पुरुष तथा एक स्त्री के कार्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको, इधर लाते हैं, ठीक इसी के पास में, तो देखिए कह रहा है कि दो पुरुष है। ठीक है, तो यहाँ देखिए दो पुरुष एक कार्य एक्स दिनों में, दो पुरुष गुड़े एक्स दिन, ठीक है, इक्वल टू वाई महिलाएं हैं, एम से महिलाएं कितने दिन कर रही हैं, 3 दिन कर रही हैं। ठीक है, वाई महिलाएं 3 दिन कर रही हैं, तब देखिए पुरुष और महिला का रेशियो पूछा है, ये पुरुष है तो पुरुष हो जाएगा, ये महिला है तो महिला हो जाएगा। ठीक है, तो इधर क्या बचा, 3y बचा, इधर से 2x उधर चला जाएगा, 2x, ये देखिए पुरुष अपान महिला का जो रेशियो है 3y अपान का 2x है, ये देख लीजिए आंसर 3y संबंध 2x। दूसरा सवाल देखिए, ए और बी एक काम को 36 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, ए प्लस बी जो है 36 दिन, बी और सी जो है 60 दिन, ए और सी जो है 45 दिन, ए और सी जो है 45 दिन में कर सकते हैं, तो सी का पूछ रहा है सी कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो आइए देखिए लिख दिया मैंने, ए प्लस बी 36 दिन, बी प्लस सी 60 दिन, ए प्लस सी 45 दिन। ठीक है, अब देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 180, भाग देंगे 5 बार जाएगा, भाग देंगे 3 बार जाएगा, भाग देंगे 4 बार जाएगा। ठीक है, तो देखिए 5 3 8 4 12 का आधा कर लीजिए 6, क्यों, क्योंकि ए दो बार, बी दो बार, सी दो बार है, तो ऐसे देखिए समझिए क्यों आधा किया मैंने,
टू ए टू बी प्लस का टू सी बराबर का 6 है, ठीक है। तो दो जब कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, इधर जो बता रहे थे 12 लिखिए 6, तो अब देखिए 6 ये आ गया ना। तो जितना जोड़िए यदि पेयर में है तो उसका आधा कर दीजिए 60 से, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी 6 है, ठीक है। अब पूछ किस कह रहा है, सी का पूछ रहा है। तो ए प्लस बी की क्षमता देखिए कितनी है, ए प्लस बी की क्षमता यहाँ पर 5 है। जब ए प्लस बी की क्षमता 5 है तो सी के स्वभाव से ही बात है 1 हो जाएगी, क्योंकि 5 एक 6, तो टोटल वर्क, ये टोटल वर्क था 180, ठीक है, 180 टोटल वर्क। तो 180 डिवाइड बाई 1 यानी 180 दिन में करेगा सी। देखिए 180 दिन आंसर भी है, ठीक है। अब इसी के साथ तीसरा देख लीजिए, एस डी यादव का, एस डी यादव का तीसरा सवाल। पी तथा क्यू द्वारा एक कार्य 12 दिनों में पूरा कर लिया जाता है, ठीक है। पी प्लस क्यू जो है 12 दिनों में, क्यू प्लस आर जो है 15 दिनों में, एम आर तथा पी जो है 20 दिनों में, तदनुसार उसे पी कितने दिनों में करेगा, ठीक है। देखिए 30 आंसर आया है इसका, देख लीजिए इसका सोल्यूशन है, इसका भी देखिए निकाल लीजिए एलसीएम, एलसीएम निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 60, ठीक है। पांच बार में 4 बार में, अब ये आपका 3 बार, ठीक है। तो 5 4 9 9 3 12 का आधा 6, इधर क्या लिखेंगे, पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर का 6, ठीक है। पूछा था पी का, तो क्यू आर की क्षमता कितनी है, क्यू आर की क्षमता 4 है, तो पी कितनी हो जाएगी, 2 मिलाकर 6, ठीक। तो 60 टोटल काम डिवाइड बाई 2 यानी कि 30 डे में करेगा, ये देख लीजिए 30 डे इसका आंसर है।